Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 11, exercise 11.3, question number 6 for class 8. इस chapter में basically area, volume, perimeter से related question है. Plane और solid दोनों figure से related है. इस exercise में solid figure से related आपको given है. सॉलिड फिगर में टोटल सरफेस एरिया होते हैं, लेटरल सरफेस एरिया होते हैं, है ना. तो और इन सब का अकॉर्डिंग मतलब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल का पूरे चैप्टर से रिलेटेड फार्मूलाज, उन सब का कलेक्शन यानी कॉन्सेप्ट की क्लियरनेस और जो हमारे जितने भी फार्मूलाज हैं उनका कलेक्शन, उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है इंट्रोडक्शन क्लास करके. एक बार उस पर जरूर विजिट करें जिससे कि आपको पूरे चैप्टर मैंने का जो कंसेप्ट है उसे एक्सप्लेन किया है अच्छे से समझ में आ जाएगा. उसके बाद आपका सॉल्यूशन काफ़ी आसान हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन विच इज गिवन डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट. मतलब ये दोनों फिगर किस तरीका से एक जैसा है और क्या दोनों में फर्क है. ओके, विच बॉक्स इज लार्जर, लेटरल सर्फेस एरिया. लेटरल सर्फेस एरिया और कर्व्ड सर्फेस एरिया दोनों एक ही चीज़ होते हैं. कर्व्ड सर्फेस एरिया यानी कि जो मुड़ रहा है सिर्फ ये पार्ट अप एंड डाउन वाले जो ये बेस और टॉप की को छोड़ कर. ओके, तो सबसे पहले तो इन दोनों में आप एक चीज़ देखो कि इनकी भी हाइट जो है वो 7 है और इनकी भी हाइट 7 है ना. दोनों जो है दोनों का हाइट इक्वल है. तो सबसे पहले इस चीज़ को मैं नोट कर देती हूँ. सिमिलरिटी क्या है, बोथ आर इन सेम हाइट. ठीक है, डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंस है कि एक आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म है और दूसरा क्यूब फॉर्म का है. तो डिफरेंस वन इज सिलेंड्रिकल एंड अदर क्यूब. ओके, ये आ गया आपका सिमिलरिटी और डिफरेंसेस. नाउ पूछा जा रहा है कि किसके लिटरल सरफेस एरिया लार्जर है. तो इसको जानने के लिए ऑब्वियसली हमें क्या होगा, दोनों का सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया फाइंड कर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिलेंडर की फाइंड करती हूँ. तो कर्व सरफेस एरिया लिखो या लिटरल, सेम है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है, है ना. आपने अगर मेरी वीडियो इंट्रोडक्शन क्लास वाली देखी तो उसे पता होगा विच इज 2πRh. ओके, नाउ विच इज 2 × π की वैल्यू 22/7 मल्टीपल रेडियस है यहाँ पे, है ना. अब हमें तो यहाँ डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर जब रेडियस होता है फाइंड करना, तो यानी कि डायमीटर अपॉन में 2 वो हो गया रेडियस, यानी कि 7/2 एंड मल्टीपल हाइट इज ऑल्सो एच. ओके, 7 × 7 कैंसिल हो गए, 2 × 11 जा. ओके, हाइट तो हमारा 7 है ना, 7 ले लूँ. 11 × 2 = 22 एंड 22 × 7 जा, 22 × 7 जा, 7 × 2 = 14, 2 × 7 = 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. अब हम क्यूब का फाइंड करेंगे. कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका कहने का मतलब क्या है कि इसके चारों तरफ वाली पार्ट अपर एंड डाउन पार्ट को छोड़ करके, तो दो पार्ट को ऐसे क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 6L² ऐसे हो गया 4L². ओके, विच इज 4 × 7² 4 × 7 = 49 एंड 49 × 7 = 6 343 cm², है ना. अब देखो दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ
एरिया कर्व सरफेस एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये क्यूब, क्यूब इज ग्रेटर देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ओके अंडरस्टैंड, दिस इज योर फाइनल आंसर. आई होप सोल्यूशन समझ में आ गए होंगे. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें.